सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा हो गया। तो गाइस, आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो वैसे चलते हैं पिक्सार की तरफ और पिक्सार कर लेते हैं ऑन। पिक्सार ऑन करने के बाद जैसे क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्लस का आइकन पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद अपने फाइल में आ जानी है। तो चलते हैं अपनी फाइल में। तो हमारा फाइल ये वाली है, और ये वाली बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लेता हूँ पिक्सार में। हमारा जो बैकग्राउंड है पिक्सार में ओपन हो चुका है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के लिए आपको उसके बाद अपनी फाइल में आ जानी है, उसके बाद अपनी फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके का फोटो है, तो यहाँ पर मैं इसे सेट करने वाला हूँ। तो गाइस, आप भी कुछ इस तरीके का फोटो क्लिक करवा के आपको जो भी स्टाइल हो, आप कुछ अलग स्टाइल करके आप यहाँ पे फोटो को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है और थोड़ा हार्डनेस को कम कर लेनी है, ऑपेसिटी को कम कर लेनी है, और फिर से इरेजर पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। और बाकी यहाँ पे जो पैर दिख रहा है हल्का हल्का, इस तरह इसे मार देंगे, कुछ इस तरीके से आपको मार देंगे। तो गाइस देख सकते हो इसी तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कर लेंगे डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के लिए क्या करना है, आपको फिर से अपने फाइल में जानी है। और फिर से फाइल में जाने के बाद आपको एक PNG है बादल का, वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्रॉप में जाना है। क्रॉप में जाने के बाद आपको एक कोई बादल यहाँ से क्रॉप कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद यहाँ पे सेट कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद तो वैसे इस बादल को मैंने सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वैसे यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। अगर आपको फोटो कट करनी नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वैसे यहाँ पर अपना कुछ हेयर स्टाइल लगाना, ठीक है। तो चलते हैं ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है, अपने फाइल में जानी है। अपने फाइल में जाने के बाद क्या करना है, आपको ये हेयर स्टाइल ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने जो हेयर स्टाइल है मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो आपको ये हेयर स्टाइल का PNG मैं दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ सेट कर देनी है। और क्या करना है, आपको इरेजर पे क्लिक करना है, फोटो को जूम करना है और फालतू जो दिख रहा है इरेज कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे सेट और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद जैसे करना है आपको सीधा कुछ कलर सेटिंग करना है। तो चलते हैं लाइटरूम की तरफ, वहाँ पर कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद क्या करना है, आपको फोटो को यहाँ पर कर लेनी है सेव। तो आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है और सेव इमेज पर क्लिक करके आपको फोटो को सेव कर लेनी है। और चलते हैं लाइटरूम की तरफ। तो गाइस चलते हैं लाइटरूम ओपन कर लेते हैं। लाइटरूम ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे फोटो ऐड करनी है, ठीक है। तो आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक कर लेनी है, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लीजिए जो भी आप फोटो सेव किए होंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोटो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और यहाँ से फोटो कर लेते हैं ओपन। तो हमारा जो फोटो यहाँ पे हो चुका है ओपन, और यहाँ से कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो आपको सबसे पहले लाइट पे क्लिक करना है, और लाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा लाइट को कम कर देना है। और साइडो है तो साइडो को आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, थोड़ा मैं साइडो में बढ़ा लेता हूँ। वाइट बैलेंस है, यहाँ से वाइट बैलेंस आप कम रख देना, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक थोड़ा चमक के लिए आपको ब्लैक थोड़ा बढ़ा देनी है, कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है और मिक्स पे क्लिक कर देनी है, और यू को आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। और उसके बाद क्या करना है, लुमियंस को आपको क्या करना है, लुमियंस को आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा कर रख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्लू कलर पे क्लिक करना है, और यू को थोड़ा सा ऐसे कम बेसी कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा यू को मैं बढ़ा कर रखता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम बेसी कर सकते हो, तो थोड़ा सैचुरेशन को आपको कम रख देनी है। और लुमियंस आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम रख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ऑरेंज टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा आपको यहाँ पे लुमियंस को बढ़ा देनी है। आपकी जो फेस है अच्छी तरीके से यहाँ पे गोरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको सैचुरेशन को यहाँ पे आपको कम रख देनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा वाइब्रेंस को यहाँ पे कम कर देनी है। तो यहाँ पे तो काम हो चुका है, बट इस पर क्लिक करना है और थोड़ा शार्पनेस को आपको बढ़ा लेनी है। शार्पनेस बढ़ाने के बाद क्या होता है कि आपकी जो फोटो को जो शार्पनेस है वो दिखने लगता है, एकदम साफ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा शार्पनेस को मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नॉइस क्या है कि आपके फेस को स्मूथ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नॉइस को बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है,
कलर नॉइस। तो कलर नॉइस का मतलब क्या होता है, आप भी जब भी आप कलर करते हो आपके कलर फटाफट दिखने लगता है, तो आप यहाँ से आपको कलर बना के अपना कलर नॉइस को अपने स्मूथ कर सकते हो। देख सकते हो गाइस हमारा जो फोटो है अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो करने क्या है आपको अब सेव करना है, तो तीन डॉट पर क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। तो सेव कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि फोटो बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।